संदीप अखिल, आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। कोरोना के केस छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ा थे। पिछले सप्ताह के बाद करण तो जिन आंकड़ा आवा थे वास्तव में चिंतित कर देने वाला है। सरकार जिन्हें अपन स्तर के तैयारी करत है, लेकिन विपक्ष के भी आरोप लगातार चलत है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कहा थे कि सरकार गंभीर नहीं है कोरोना के जन मामला बढ़ा थे, और ये थी सरकार के कहना है और खुद स्वास्थ्य मंत्री के कहना है कि हम जिन्हें लगातार जिन्हें दिशा निर्देश देवा थन, टेस्टिंग करा थन, टेस्टिंग ला बढ़ा थन, ये तमाम बात है। लेकिन एक बात जरूरी है जिन सब ला जानना चाहिए, नेता और पक्ष विपक्ष के बात नहीं है, ये बात है जागरूकता के, और जागरूकता जनता से आई। जागरूकता जिन है जनता जब चीज ला समझ जाए, एक गंभीरता ला समझ जाए, तो अपने आप चीज ठीक हो जाही, ऐसा हमार मानना है। तो यही सब बात लेके आज मचाबो गदर, लेकिन ओकर पहली सुनथन कि का कहा थे पक्ष और विपक्ष, आम आदमी के का सोच है कोरोना के बढ़त मामला ला लेके। पिछले बार जब तीसरा चरण आया तो उस समय यहाँ क्रिकेट मैच में लोग मस्त थे, मुख्यमंत्री जी चुनावी दौरे में कहीं दूसरे प्रदेश गए थे। इस बार भी कोरोना की आहट है और यहाँ लगातार केस बढ़ रहे हैं, और जिस मात्रा में केस बढ़ रहे हैं उस मात्रा में न टेस्टिंग हो रही है, न अस्पतालों में कोई व्यवस्था है, स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से सुस्त है, और आने वाले समय में क्या रूप लेगा इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, कोरोना की भयावहता से पूरा छत्तीसगढ़ परिचित है, और यह प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग की जाए, और जिन लोगों को चिन्हांकित किया गया उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। यह आरोप लगाना कि कोरोना के लिए सरकार गंभीर नहीं है, यह दुर्भाग्यजनक आरोप है। नेता प्रतिपक्ष को पूरी जानकारी एकत्रित करने के बाद ही आरोप लगाना चाहिए। हमको डर नहीं है, हम हमारे पास इलाज है उसका। पहले का समय भूल गया है, पहले भी इलाज ऐसी भी वो इलाज करते थे, अभी भी इलाज है हमारे पास। सेफ्टी के लिए लगा लेते हैं, अपन सेल्स में हैं, जब भी जाते हैं एक दूसरे से मिलने के दौरान लगा लेते हैं, बाकी कुछ लगाए नहीं है, तो ये हमारी ही गलती है, बट लगाएंगे अब। जनता भी, आप सुने हो कि जनता भी जागरूक हो गए है, चीज ला समझा थे, लेकिन जिन मामला लगातार बढ़ा थे, जिन घटना लगातार बढ़ा थे, और मौत भी जिन बढ़ा थे, वो आंकड़ा गंभीरता की ओर इशारा करा थे। और ये कते गंभीर है सरकार, और कते गंभीर है विपक्ष, और कते गंभीर है जनता, ये सब बात ला लेके मचाबो गदर। आज हमारे साथ है गदर मा अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस पार्टी ले, हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी ले शांतनु साहू जी, और डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी श्री नारायणा हॉस्पिटल से। ये तमाम जिन हमारे पहुना मन आए हैं उखर से जानबो और मंथन करबो और जान के निकालबो कि गदर मा आज जिन स्थिति है छत्तीसगढ़ में कोरोना के जिन बढ़त केस है, ओला लेके का हमला आगू कदम बढ़ाना है। तो सबले पहली सवाल कांग्रेस से अनिल चौहान जी से कि नेता प्रतिपक्ष जी गंभीरता के आरोप लगावत हैं, ओकर कहना है कि पिछला तीन जन लहर आए है ओमा सरकार गंभीर नहीं रही से, एक हर वजह से छत्तीसगढ़ के आम जनता ला जन है परिवार के कई सदस्य लोगन खो दिन, वो आज भी जन है सरकार गंभीर नहीं है, ये बात जन है नेता प्रतिपक्ष कहा थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन कहा थे। अनिल सिंह चौहान जी, संदीप अखिल जी, आप ला वो आपके सब दर्शक मल्ला प्रणाम है, जोहार है। मैं दूसर बात ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मुद्दा आप हमारे आज के बहस के मुद्दा ला रखे है, तेखर बार आपके साधुवाद, काबर की यह सबके जान माल ले जुड़े सवाल है, और पूरा देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा विश्व देखी से कि कोविड के कतका बड़ महामारी है, कतका झन ला खा दीस, कतका झन बेघर हो गए, कतका झन के दुनिया उजड़ गए, एखर से बहुत अच्छा मुद्दा है। दूसर बात मैं आप लग निवेदन करना चाहता हूँ कि कोविड कस महामारी में राजनीति नहीं करना चाहिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष जिला ये विषय में राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। ये महामारी है सब मीडिया समूह जत का हवा है, पत्रकार मन, आप मन, विद्वान मन, पक्ष विपक्ष, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, सब एक लड़ाई लड़े के विषय ये महामारी है, और हम सब देख रहे हैं कि एकर भयावहता का रही। सरकार पूरा तरह से अलर्ट है,
आओ अपन पूरा तैयारी करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार मीटिंग बैठक लेवत है और दिशा निर्देश जारी करते हैं कि कैसे काम करना है। सब जिला के अस्पताल मन तैयार है, इमरजेंसी वार्ड मन तैयार है, कोविड पर सरकार के कोई भी तैयारी में कमी नहीं है। लेकिन जिन तरह से राजनीति होते है दुखद है। मैं तो आपके चैनल में लोकप्रिय चैनल में नहीं कहना चाहता तो कौन है थाली घंटी बजवा के कोरोना ला भगाना चाहत रही से, कौन प्रकार के वेलकम ट्रंप चलत रही से, पूरा देश में लाश के ढेर बिछे लगी। इस बात में पहली ही हमर नेता राहुल गांधी जी है अलर्ट करीस की सरकार सुते मत, फरवरी महीना में अलर्ट करीस सरकार ला जागे की जरूरत है, विदेश ले जीना थे, बाहर ले जीना थे, उनका जांच करे की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार हर ध्यान नहीं दी, पर हम वो सब राजनीतिक विषय नहीं करना चाहन। आप भाजपा शासित राज्य मन के तुलना कर लो छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर स्थिति मिली, बहुत बेहतर इलाज मिली। और सबले बड़े बात आप लोग बता दूं मैं कि अभी भी सरकार पूरा तरह से अलर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई चेहरा है। इन चारों डहर देखा था, इन लोग कुछ समझे में नहीं आते कि हम जनता लग कैसे भरमाई। तो अब ये मने नवा नवा कार्ड खेले थे, गैर राजनीतिक विषय धर्म बीमारी इंखर आड़ में राजनीति करे के प्रयास भारतीय जनता पार्टी करत है। धर्म राजनीति जिन है बीमारी ये सब चीज ला लेके राजनीति के बाद जिन है अनिल चौहान जी कहा थे। हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी है। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, संक्रमण दर छत्तीसगढ़ में जिन लगातार बढ़त है, मैं आपसे चाहूँ तो आप हिंदी में भी आकर जवाब दे सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संक्रमण दर जिन लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़त है और तैयारी ला लेके स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार बैठक भी करते हैं और जिन जांच है जिला में जिन जांच पहले 150 होत्री से 100 होत्री से 300 कर दे गए है, कंट्रोल रूम बना दे गए है, आपके हिसाब से का का चीज होना चाहिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य ला आप कहाँ पाता हो कि एकर पहली के लहर में आप जिन है बड़ा जान जोखिम में डाल के जिन है जिन हमारे मरीज हैं उनकर सेवा करे रहे हो, उखर पर आप ला बहुत बहुत बधाई। लेकिन वर्तमान स्थिति ला सरकार ला जनता ला कैसे लेना चाहिए? डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी जी, वर्तमान स्थिति में सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि कोविड को लेकर जो एक छुआछूत जैसा अभी भी व्यवहार हो रहा है, स्टिग्मा बना हुआ है, उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। अब हमें इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोरोना कभी भी बाहर नहीं जाने वाला, वह हर साल कभी ज़्यादा कभी कम के तौर पर आएगा और हमें इसके लिए हमेशा सचेत रहना है। जो भी बात होती है कोविड वापस आ गया है हमारी क्या तैयारी है, ये तो वही बात होती है हमेशा कि प्यास लगे लोग कुआँ खोद रहे हैं। कोविड की पहली लहर दूसरी लहर के बीच में हमारे से बहुत से वादे हुए, कोई वादे पूरे नहीं हो पाए। दूसरी और तीसरी लहर के बीच में बहुत से वादे हुए, कोई वादे पूरे नहीं हो पाए। तीसरी लहर के बाद सबको लगा वैक्सीन लग गई है, कोविड चला गया है, तब भी सभी विशेषज्ञ बोलते रहे कोविड कहीं नहीं जाए, कोविड बार बार वापस आएगा। अभी कोविड उतना भयावह नहीं है, उतना भयानक नहीं है, भविष्य में हो सकता है भयानक हो भी जाए, पर क्या जब कोविड वापस आ जाएगा लोग मरने लग जाएंगे तभी लोग तैयारी करेंगे? जितने भी वादे हुए थे ना केवल प्रदेश स्तर पर, आप राष्ट्र स्तर पर भी देखिए, जिस भी सरकार ने जहाँ भी वादे किए थे कि हम इतने हॉस्पिटल खोलेंगे, हम इतने डॉक्टर्स की भर्ती करेंगे, हम इतने स्टाफ लेके आएंगे, हम इतने इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, क्या वो वादे पूरे हो पा रहे हैं? मैं दोनों से यह सवाल करना चाहूँगा, पक्ष विपक्ष दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, आप राजनीति पिछली बार भी कर रहे थे इस बार भी कर रहे हैं, पर क्या विपक्ष ने भी यह क्वेश्चन उस समय उठाया जब कोविड नहीं था? क्या किसी ने पूछा सिलसिलेवार विधानसभा में क्वेश्चन कि सरकार ने इतने वादे किए, क्यों मेडिकल कॉलेज में अभी तक स्टाफ नहीं आ पाए हैं, क्यों नर्सिंग स्टाफ नहीं आ पाए हैं, जब लगातार एम्स के मांग होती है बिलासपुर में? तो क्या कभी इस किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी समय से वहाँ से सिम्स है, आप सिम्स को एम्स क्यों नहीं बना रहे हैं? 60 साल से यहाँ पर जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज रायपुर का इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज था, जहाँ के बच्चे पढ़ के अब एम्स दिल्ली के HOD बन के बैठे हुए हैं, वहाँ का आप एम्स क्यों नहीं बनाया? आपको रायपुर में एम्स की जरूरत क्यों पड़ी? यह एक छोटा सा उदाहरण आपका एम्स की बिलासपुर में मांग करना ही ये बता रहा है कि हम सब कितने जागरूक हैं या हम कितने कहना चाहिए आंख बंद करके बैठे हुए हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, हम स्वयं ही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। तो कोविड से तो सबको बचना ही है, आम जनता की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी है। मेरी तरफ से यह बस एक सलाह है कि कोविड को छुआछूत वाली बात मत बनाइए जैसे कि पहले गलती की गई थी, ताकि लोग सामने आ सके, खुद से बता सके। अभी भी लोग अगर सिम्टम्स होते हैं तो सामने आके नहीं बताते हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्या होगा, हमको वापस 14 दिन के अंदर आइसोलेट कर देंगे। जो कोविड एक नॉर्मल फ्लू जैसे लीजिए, अपने सिम्टम्स तुरंत बताइए, डॉक्टर्स के निगरानी में रहिए, तो मृत्यु दर हम मिनिमल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार से यह विनती है, अभी भी कोविड भयावह रूप नहीं लिया है तो प्लीज़ जितने भी स्टाफ की भर्ती हो सकती है उसको परमानेंटली कीजिए, मतलब
टुकड़ों टुकड़ों में या कुछ समय के लिए मत कीजिए, हमेशा के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाइए। सिर्फ कोविड नहीं है, हमारे में टीबी भी है, सिकल सेल भी है, कितनी सारी बीमारियां आज भी हैं, उन सभी बीमारियों की स्थिति वही है जो आज से 20 साल पहले थी। अभी भी छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य में आता है, तो कोविड में हमने पहले से अच्छा किया, पूरे राष्ट्र में, देश के स्तर में छत्तीसगढ़ राज्य ने अच्छा किया। इस बात को मैं पहले भी बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री हैं और संभवतः हमने अभी तक जितने भी स्वास्थ्य मंत्री देखे हैं उसमें सबसे अच्छा काम करते हैं, लोगों से जुड़ के काम करते हैं। पर फिर भी प्रदेश को स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है, डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शांतनु साहू जी हैं। शांतनु साहू जी, बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि भाई जिन जैसे तैयारी होना रही से, जैसे बात होना रही से कोरोना के मामला बढ़ाते, मौत भी बढ़ाते, संक्रमण जिन है 9.0 से ऊपर पहुंच गए है और सरकार जिन है जिन उसका गंभीर नहीं है। लेकिन बात जब आते कि भारतीय जनता पार्टी शासित जिन राज्य है वहाँ पर भी मामला आवत है, जैसे कि हमर जिन है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्य रणनीति है। और आज के हम यदि राज्य के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कोरोना लेके कांवर की वास्तव में मामला जिन है राजनीतिक मामला नहीं है, ये मामला जिन है जीवन और मृत्यु से जुड़े मामला है, जिन बहुत संवेदनशीलता के साथ जिन है आगे बढ़ना चाहिए। कोरोना ना कांग्रेस देखा, ना बीजेपी देखा, ना डॉक्टर देखा, ना मरीज देखा, कोरोना तो कोरोना। शांतनु साहू जी, आपके क्या कहना है? मैं हाँ, जिसे हमारे साथी कांग्रेस के भाई अनिल चौहान जी आरोप लगावत रही से कोरोना की भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करते गए, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा संवेदनशील मुद्दा में कोई राजनीति नहीं करे। आप देखा तो हो कि मोदी जी के रणनीति के कारण जो कोविड-19 आई रही से 2019, ओकर रणनीति के कारण आज देश में ये भयावह जो स्थिति आना रही से वो ओकर से देश बची से। सिर्फ मोदी जी के रणनीति और ओकर नेतृत्व क्षमता के कारण ये स्थिति आई से। और रही बात धर्म के और चेहरा के, तो हमें अपन साथी भाई ला बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के राजनीति नहीं करे, है ना, वो हिंदुत्व बर काम करते हैं। और कोरोना के आज जो स्थिति छत्तीसगढ़ में हो, आप देखत हो कि पॉजिटिविटी दर 10% के आसपास पहुँचा थे, रोज 500, 600, 400, 450 केस मिलत है। वो सरकार एकर प्रति अभी भी गंभीर नहीं, तो सरकार लय में गंभीरता से सोच के रणनीति बना के काम करना चाहिए। जो चिकित्सा सुविधा है ओमाऊ संसाधन में बढ़ोतरी करना चाहिए। पिछला समय भी मांग हो रही से एकर संबंध में, लेकिन सरकार के पास फंड के कमी है। आज देखा तो कि सरकार भी कर्ज में डूबत जाते, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा जब तक यहाँ नहीं बढ़ी छत्तीसगढ़ में तब तक ये स्थिति आत रही। और कोरोना कुनोल नहीं देखे ना कांग्रेस भाजपा, जिसे आप बोलत रहे हो वैसा ये स्थिति हवा है। और मानवीयता के नाते, एक मानवता के नाते हमला में राजनीति करना भी नहीं चाहिए। और कोरोना आप देखा तो कि 2021 में जो दूसरा लहर आ रही से वो अत्यधिक भयावह रही कि यहाँ सीट नहीं रही से, बेड नहीं रही से, कोनो अस्पताल में, छोटे छोटे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में उनमें बेड नहीं रही से, ये स्थिति रही से। तो सरकार लय में गंभीरता से सोच के रणनीति बना के काम करना चाहिए। एमन अपन राजनीतिक एमा मजगूल हवा है, स्वास्थ्य मंत्री जी ओला ये दुखी कि मैं मुख्यमंत्री कब बनूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन, वही में व्यस्त हवा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में व्यस्त हवा है, तो कब एकर बारे में गंभीरता से सोची और रणनीति बनाई, ताकि जो जीवन के आदमी के जीवन बहुमूल्य है, ओकर जो जीवन मूल्य हवा है, यहाँ के जन हानि ना हो, ऐसा रणनीति बना के सरकार ला काम करना चाहिए। जो हमर नेता प्रतिपक्ष जी आरोप लगाए कि गंभीर नहीं, बिल्कुल सही बात है, अभी भी सरकार ये मुद्दा में गंभीर नहीं है, वो भयावह रणनीति बना के काम करना चाहिए। लेकिन शांतनु साहू जी एक बड़े बात भी यहू कह दी से, शांतनु साहू जी एक बड़े बात यहू कह दी से अनिल चौहान जी की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम साहब व्यस्त है। वैसे केवल जिन्हें कांग्रेस पार्टी या सीएम साहब व्यस्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी व्यस्त है। काबर के 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है,
जगह जगह जिन है भारतीय जनता पार्टी बैठक करत है, कार्यक्रम करत है। यदि कांग्रेस के ऊपर ये बात आई तो बीजेपी के ऊपर भी बात आई और सबोला जिन है बात ला समझेल पड़ी। अनिल चौहान जी, भेंट मुलाकात के बात करी से शांतनु साहू जी, आपके का कहना है? और जिन डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी बात कहे, इला हम लोग सब ला समझना चाहिए कि भाई जिन वादा करेगी रही से, जब मामला ठीक हो जाते हैं उसके बाद हम भुला जतन कि हम का वादा करे रहे, हमला का काम करना रही से, हमला स्वास्थ्य व्यवस्था में का चीज ला आगे बढ़ाना रही से। अभी जिन है जब विपत्ति आई से तो टेस्टिंग बढ़ गए, फिर जब विपत्ति आई से तो ये देखे जाते कि भी कतका किट हमारे पास है, कतका किट नहीं है हमारे पास स्टॉक में। तो भाई जिला में जब व्यवस्था बढ़ाए के बात हो रही से, जब अस्पताल मन में व्यवस्था बढ़ाए के बात हो रही से, तो वो दिशा में हम काबर आगु नहीं बढ़ेन। अनिल चौहान जी, देखो आदरणीय संदीप जी, अभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहत रही से कि भयावह स्थिति नहीं बनी मोदी जी के नेतृत्व में, फिर वही गुठियात गुठियात के देश कि देश में दूसरा लहर इस दिन कतका भयानक रही से हम सब देखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जन कोविड के नुकसान हो में नहीं है इस भाई। जैसे गंगा के किनारे पूरा लाश पड़े रही से हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जन भयावह स्थिति रही से ओखर ले ज्यादा भयावह के इंतजार कर रहे थे अगर माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी प्रधानमंत्री भयावह स्थिति पूरा देश में भयावह स्थिति रही। मैं तो कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ ला तब वो ओखर में पिछू मानना चाहिए कि बहुत भयावहता यहाँ ओखर ले ज्यादा नहीं हुई। आप मैं बताना चाहता हूँ आपका, मध्य प्रदेश के शहडोल सीधी एति बैढ़न तीन जिला हमारे बॉर्डर से जुड़े हैं छत्तीसगढ़ में। आप चलो भौतिक सत्यापन कर लो, 10-10 टेस्टिंग नहीं होते वहां जिला अस्पताल में, और टेस्टिंग किट नहीं है कोई जिला अस्पताल में जब तक हमारे सीमा से लगे तेरे जिला बताता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जिला शांतनु साहू जिला पहली शिवराज सिंह ने चिट्ठी लिखना चाहिए, ओला समझाना चाहिए कि हाँ कुछ काम कर भैया तमला छत्तीसगढ़ में आरोप लगात बनाए। मैं खर मतलब ये नहीं कहता हूँ आप लोग कि मैं सरकार के पूरा सफाई दे देता हूँ, निश्चित रूप से सरकार लाहू अलर्ट होना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पूरा दिशा निर्देश देते अलर्ट में है, और आप लहू बताता हूँ कि निश्चित रूप से संसाधन की कमी है। पूरा स्वास्थ्य विभाग के टीम ला मैं सैल्यूट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, उनकर मेहनत के बदौलत छत्तीसगढ़ में हम कोविड ला हरा सके हैं और आगे भी हराबो। जिन बहादुरी से स्वास्थ्य विभाग के टीम और जतका संसाधन के कमी के बाद भी काम करे हैं वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ दूसरे प्रदेश से बेहतर स्थिति रही से। बाकी पूरा विश्व कोविड के महामारी ले झेली से, और यहू आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राज्य के अपन सीमा होते, अपन संसाधन सीमित होते, लेकिन केंद्र के सरकार के पास बहुत सारा संसाधन होते, बहुत व्यापक दिशा बहुत व्यापक रणनीति बनाए के ओखर पास वो होते औजार होते, ओखर पास आदमी होते। एकर सेती मोर मानना है कि केंद्र के सरकार ले में बेहतर रणनीति सबो राज्य से, छत्तीसगढ़ सहित सबो राज्य से। हम तो पहले भी बहुत अच्छा तालमेल छत्तीसगढ़ में बनाए के प्रयास करे और अभी भी कहा था केंद्र जैन कही हम अच्छा से अच्छा सामंजस्य हमार भूपेश बघेल जी और सिंहदेव जी बना है, और ये कोविड महामारी से लड़े की जरूरत है। और जहां तक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थिति नहीं है, मैं ये बात लमाने पर तैयार नहीं हूं। छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेश से बेहतर स्थिति है, पूरा स्वास्थ्य अमला अलर्ट में है, हमार संसाधन सीमित जरूर है, हमार हौसला बुलंद है। और जिन डॉक्टर चौधरी साहब कही बहुत जरूरी है कि हमला अफवाह से बच रहे हैं, बहुत जरूरी है थाली घंटी ये सब सिस्टम से उठ के हमला वैज्ञानिक सिद्धांत ला मानना है, हमला डॉक्टरी परीक्षण कराना है, टोना जादू भूत प्रेत अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, और ये महामारी तब जाके हम हरा पावो। और ये महामारी है हमारे जीवन के हिस्सा हो गए हैं जिसने डॉक्टर चौधरी साहब बताई, मैं ओकर से सहमत हूँ। ये महामारी के बीच में रही के हमला अब किसी तरह जीवन ला बचाना है। अनिल चौहान जी, पूर्व में अपन बात रखीन कि भाई हमला जिन है केंद्र सरकार के साथ तालमेल बना के जिन है काम लागू बढ़ाना है। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, जो दर है संक्रमण का जो दर है वो लगातार बढ़ रहा है, सरकार कह रही है कि हम टेस्टिंग बढ़ा दिए हैं और तमाम प्रकार के जो व्यवस्थाएं होती हैं कोरोना को लेकर वो कर दी गई हैं, और जो अन्य व्यवस्थाएं जो होती हैं जिस तरीके से अस्पतालों में सुविधा की आप बात कर रहे थे और अन्य स्टाफ की बात कर रहे थे, तो वर्तमान में क्या क्या करना चाहिए जिससे इस महामारी के से लड़ने के लिए हम तैयार रहें? डॉक्टर निमेश चौधरी जी। बिल्कुल संदीप जी, सबसे पहले हमें यह समझना है कि 2023 में कोविड एक नई बीमारी नहीं है जैसा कि 2019 के अंत में या 2020 के शुरुआत में थी। अब हम कोविड को लेकर बहुत कुछ जानते हैं,
हमारे पास बहुत सारा डेटा है यह बीमारी कैसे एक्ट करती है, इसकी वैक्सीन भी है और बहुत सी ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो हम जानते हैं। पहले शुरुआत में था कि ये दवाई काम कर सकती है, वो दवाई काम कर सकती है, वह स्थिति अभी नहीं है। तो मेरा बार बार लोगों को यह कहना है कि अब हम जब कोविड की रणनीति बनाते हैं तो पिछली जो भी चीज़ें हमने की उससे हमें सबक लेना चाहिए, सेम वही रणनीति बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसा मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ कि आम जनता को मीडिया के माध्यम से, हमारे लीडर्स के माध्यम से, समाज सेवकों के माध्यम से बार बार यह संदेश जाना चाहिए कि आपको यदि कोई सिम्टम है तो आप डॉक्टर को दिखाइए और सामने आइए। और अगर आपको कोविड पॉजिटिव आता है तो भी इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि कोविड पॉजिटिव आ गया बहुत बड़ी बात हो गई। तो बहुत बड़ी बात हो गई, इस चीज़ को ही अगर हम झुठलाना सीख लें और इसको हम एक नॉर्मल तरीके से लेने लग जाए, जैसे हम बाकी बीमारियों को लेते हैं, जैसे कि हम हार्ट अटैक को लेते हैं, जैसे कि हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को लेते हैं, जैसे कि हम टीबी को लेते हैं, ऐसे अगर हम इसको नॉर्मल लेने लग गए, ये सभी बड़ी बीमारियां हैं, पर इसको लेके ऐसे हल्ला नहीं मचता है कि इसको कोविड हो गया तो हॉस्पिटल में सब पलट के देखने लग जाएंगे, अरे तो कोविड का मरीज अंदर आ गया। तो ऐसा जब होना बंद हो जाएगा तो लोग आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं लेना ले पाएंगे और सरकार को भी आसानी होगी। तो मेरे हिसाब से अभी सबसे ज्यादा जरूरी जो है वह है कोविड को नॉर्मलाइज करना, आसानी होगी। ये बहुत अजीब बात लग सकती है बाकी लोगों को, बात कहें जिसे हमें समझना पड़ेगा। पुरानी रणनीति जो है, जो पुरानी रणनीति जो है उससे हमको सबक लेना होगा। शांतनु साहू जी, बहुत कम शब्दों में, गदर क्योंकि अंतिम पड़ाव में है, क्या रणनीति होनी चाहिए और विपक्ष के रूप में आप लोग की क्या भूमिका रहेगी? शांतनु साहू जी, विपक्ष के रूप में देखिए, ये मानवीय मानवता के काम में हमला, यहाँ के जो 2.5 करोड़ जनता है ओला मौत के मुंह में नहीं ढकेलना है। सरकार के ऐसे योजना बने, रणनीति बने कि यहाँ के मल्ला तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। एक चिकित्सा संसाधन की कमी तो है ही, और देखो आप मोदी जी है, केंद्र सरकार के मोदी जो योजना है, जो मोदी जी के 220 करोड़ वैक्सीन लगाए के काम में पूरा देश में करे गए, और यहाँ के जो जनता ला जागरूक करे के भी आवश्यकता है। जो बूस्टर डोज है ओला भी ओमन लेवा, वो लेवा तो नहीं है बूस्टर डोज, मुश्किल से 15-20% आदमी मन ही बूस्टर डोज। बहुत अच्छा बात, तो जनता ला जागरूक करे की आवश्यकता है। बहुत अच्छा बात अनिल सिंह चौहान जी करीन कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाए बर हम तैयार हैं। और डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, काबर की हर लहर ला अपन आँखी से डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी देखे हैं, उखर सलाह जेने, ये सबो चीज़ जब मिल जाए तो मैं दावा कर सकत हूँ कि हम कोरोना ने लड़ लेबो। इमा से तीनों चीज़, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे विशेषज्ञ हो, इमा से कोई भी चीज़ यदि अलग हो जाए तो हम कोरोना से लड़ नहीं पाबो। एक साथ एक जरूरी चीज़ ये है कि जिन जिन चीज़ बताए जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाका और जिन जगह भीड़ भड़का चला थे वहाँ से हमको दूर रहना है, मास्क के प्रयोग करना है और जिन जागरूकता के साथ कोरोना ले हमला लड़ना है। और हमला जिन्हें कोरोना से लड़े के हमला में क्षमता है, वही क्षमता के साथ, पूरा क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ लड़ी, यही हमारा अपेक्षा है। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।